बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ पर बनेगी फिल्म, ये एक्टर निभाएगा दमदार रोल। बॉलीवुड में बीते लंबे समय से बायोपिक फिल्में बनाने का प्रचलन सा चल पड़ा है। राजनेताओं और खिलाड़ियों पर एक के बाद एक फिल्में पेश की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फिल्म बनने जा रही है। पीएम मोदी की बायोपिक बीते कई दिनों से विवादों से घिरे रहने के बाद अब फिल्म 24 मई को पर्दे पर रिलीज की जाएगी। पहले ये 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म में मोदी के रोल एक्टर विवेक ओबेरॉय फैंस को नजर आने वाले हैं। अभिनेत्री पीएम की बायोपिक के बाद अब योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी एक फिल्म सामने आ रही है। खबर के अनुसार ये फिल्म योगी की बायोपिक नहीं होगी, लेकिन ये किस प्रकार की होगी इससे अभी पर्दा नहीं उठा है। योगी आदित्यनाथ के रोल में कुमुद मिश्रा निभाते नजर आएंगे। कुमुद कई शानदार फिल्म में काम कर चुके हैं। वह रॉक स्टार और जॉली LLB जैसी फिल्मों में अब अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ चुके हैं। श्रीलंका बम ब्लास्ट। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने कहा कश्मीर से आए थे ईस्टर संडे के हमलावर। श्रीलंका में ईस्टर संडे के मौके पर सिलसिलेवार धमाकों को अंजाम देने वाले संदिग्धों को लेकर वहां से सेना प्रमुख ने कहा कि इन लोगों का संबंध भारत से है। शुक्रवार को महेश सेना नायक ने कहा कि 21 अप्रैल को हुए बम धमाकों में से कुछ लोग भारत के केरल और कश्मीर इलाकों से आए थे। उन्होंने कहा कि संभव है ये लोग वहां आतंकवादी प्रशिक्षण गतिविधियों का हिस्सा रहे हो। श्रीलंका में सिलसिलेवार बम धमाकों में 253 लोगों की मौत हो गई थी। सेना नायक ने कहा कि हमें मिली जानकारी के अनुसार ये लोग भारत में बैंगलोर कश्मीर और केरल गए थे। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें उन यात्राओं के उद्देश्य के बारे में पता था, सेना के कमांडर ने जवाब दिया, यह किसी तरह की प्रशिक्षण के लिए या देश के बाहर अन्य संगठनों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हो सकता है। पहले तो स्ट्राइक का विरोध करते थे, अब मीटू मीटू कर रहे हैं मोदी। यूपीए सरकार के शासन काल में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक के कांग्रेस के दावे पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा। राजस्थान के शिखर में मोदी ने कहा कि झूठ बोलने में क्या जाता है। 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस कहेगी कि 600 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मोदी ने कहा कि ये कैसे स्ट्राइक थी भाई, जिसके बारे में ना आतंकियों को, ना स्ट्राइक करने वालों को, ना पाकिस्तानों को और ना ही जनता को पता है। पहले तो ये कहते रहे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मजाक उड़ाया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।